नमस्कार, मेरा नाम कैकशताज है। मैंने BHSC किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैंने DED भी किया हुआ है। और मैं अभी शासकीय प्राथमिक शाला श्यामतराई में कार्यरत हूँ। डिस्ट्रिक्ट इसका धमतरी आता है और धमतरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे गंगरेल डैम है, जो जिसको पर्यटक दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और उसके आगे मैडम सिल्ली बांध है। और भी हमारे यहाँ बहुत सौंदर्य की दृष्टि से बहुत अलग अलग क्षेत्रों बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर्यटक आते रहते हैं। और स्कूल बच्चे भी आते थे, अदर ज़िले के अदर स्टेट के भी आते थे यहाँ गंगरेल डैम में देखने के लिए। यह मार नदी पे बना हुआ गंगरेल डैम बहुत ही सुंदर है। मैं अभी फ़िलहाल शासकीय प्राथमिक शाला श्यामतराई में पदस्थ हूँ और मुझे शिक्षा में एक्सपीरियंस 15 सालों का है। और मैंने देखा है कि अभी COVID-19 में शिक्षा का जो मतलब स्कूल बंद होने के कारण बच्चे घर में हैं, तो जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनको मोहल्ला क्लास में और हमारे धमतरी जिला में कहना चाहूँगी विशेष रूप से कि यहाँ सीख कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी और फिलहाल में मोहल्ला क्लास लगाई जा रही है। मोहल्ला क्लास में बच्चों को टीचिंग दिया जाता है। जब मैं श्यामतराई स्कूल में शुरू में गई तो वहाँ बच्चे इंग्लिश के लिए पढ़ने के लिए बहुत आनाकानी करते थे और बुक खोलते ही साथ उनको उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग जाता था कि वो पढ़ने के लिए बिल्कुल पीछे हो रहे हैं। श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें नवाचार के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से COVID-19 रहते हुए भी हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये प्रशिक्षण में हमको बताया गया है। ZIIEI का एक ऐप है, जो उस ऐप के माध्यम से भी हमें घर बैठे बहुत से मतलब बच्चों जो बच्चे घर में ही रहते हैं उनके लिए ZIIEI के ऐप्स के द्वारा उनको बताया गया है कि इसमें इस प्रकार से ग्रिड गेम है और कैरम बोर्ड का गेम है, इसमें थीम बेस्ड है, म्यूजिकल चेयर वाला गेम। तो खैर ये तो मोहल्ला क्लास में करवाई जाती है। और भी जैसे उसमें बताया गया तो ग्रिड गेम जो है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, मैंने भी देखा उसको। वो एक्टिविटीज़ है, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी प्रकार से ग्रिड गेम है। श्री अरविंदो सोसाइटी की प्रशिक्षण के द्वारा जो ZIIEI की टीम है और उसके द्वारा जो प्रशिक्षण दिए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मतलब लाभ भी हुआ है कि बच्चों के साथ किस प्रकार से हैंडल किया जाए कि उनके समग्र विकास हो सके और ना उन पर बोझ भी ना लगे कि हम ये पढ़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको खेल खेल के द्वारा मैंने उनको पता भी नहीं लगता है कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं और उसके द्वारा उसका पढ़ना भी हो जाता है और वो अधिगम के क्षेत्र में मतलब सहायक हो जाता है बच्चों के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ। और मैंने मॉर्निंग असेंबली में मैंने बहुत प्रोग्रेस देखा है बच्चों को, और सवेरे आए रहते हैं तो उनका ऐसे ही फ्रेश रहता है माइंड, और सवेरे में जब उनसे फर्स्ट मॉर्निंग असेंबली में ये सब किया जाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको धीरे धीरे मोटिवेट किया और कहा कि पढ़ने के लिए आप प्रयत्न कीजिए, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी हिंदी के जैसे ही है। और फिर मैंने उनको स्पेलिंग कर कर के सिखाया। वो क्लास 4 में, उस समय मैं 4 ले रही थी, तो फिर मैंने उसको स्पेलिंग कर कर के छोटे छोटे वर्ड से बताया। फिर उन्होंने ये बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो हम पढ़ सकते हैं करके। फिर उनके झिझक को मिटाने के लिए मैंने मॉर्निंग असेंबली, पहले तो वैसे नहीं था, सिर्फ प्रेयर बस होता था, तो मैंने मॉर्निंग असेंबली में छोटे छोटे वर्ड्स के स्पेलिंग बोलने के लिए प्रेरित किया कि बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स बोलेंगे, स्पेलिंग करेंगे उसकी,
तो बच्चों ने पहले शुरू शुरू तो थोड़ा झिझक के कारण नहीं बोल पाते थे, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स से तो उत्सुकता से आते थे। फिर धीरे धीरे हमने वर्ड्स को और बड़े वर्ड्स को यूज करने लगे, जैसे एनिमल्स नेम हो गया, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, फ्लावर्स, ये वो। फिर वीक नेम हो गया, मंथ नेम हो गया, फिर उसके बाद हम स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, इसे धीरे धीरे बढ़ाने लगे। और उसी जैसे इस प्रकार इंग्लिश को किए, उसी प्रकार से जैसे हमने मैथ्स को भी वैसे ही किया। जैसे बच्चे टेबल्स नहीं याद कर पाते हैं, तो उनको मॉर्निंग असेंबली में टेबल्स के लिए बोलने के लिए कहा गया। इसमें क्लास वाइज बांटा गया कि छोटे टेबल से छोटे बच्चे बोलेंगे, जैसे क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 1 के बच्चे हैं तो इनको, और डिवाइड किया गया कि क्लास 1, 1, 2 ये टेबल बोलेगी, क्लास 3 के बच्चे ये टेबल्स बोलेंगे, क्लास 4 और 5 के बच्चे ऐसे टेबल्स तैयार करके आएंगे। तो इससे बच्चों में एक उत्सुकता भी होती थी कि वो कि हम इसको बोलेंगे तो सब लोग हमारा सुनेंगे और ये हमारे लिए ताली बजेगी, तो वो बिल्कुल उत्सुकता से करके आते थे। फिर उनको टेबल भी याद होने लग गया इसी प्रकार से, जिससे वो गणित में भी उनके लिए सहायक होता है, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में। जब तक के टेबल्स याद नहीं होंगे बच्चों को, तो वो सवाल हल नहीं कर पाते हैं। और उसी तरह उनके परिवेश से संबंधित घटनाओं के लिए, जैसे आज गांव में क्या हुआ, उनके सरपंच कौन है, जब चुनाव होने लगे तो कौन कौन खड़े हुए हैं, कौन जीता है, कौन पंच बना है, कौन सरपंच बना है, और इसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री से लेके माने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और अपने जिले के डीओ कौन है, बीओ कौन है, आपके पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं धमतरी में, उसके बारे में भी उनको धीरे धीरे बताया गया। और इस प्रकार से वो रुचि लेकर करने लगे। छोटे बच्चों को भी पूछा जाता है, और कभी कभी तो छोटे बच्चों से कौन से गांव में रहते हो ये भी उनको बताना जरूरी रहता है, क्योंकि उनको अपने गांव का नाम भी पता होना चाहिए। तो कभी कभी वो लोग इंग्लिश में बोल देते हैं, आई लिव इन श्याम तरई, तो मुझे कई बार हंसी भी आता है, और हंसी तो नहीं आता, मतलब गुड फीलिंग होता है खासतौर पे कि इनसे हिंदी में भी पूछा जाए तो ये इंग्लिश में बोलते हैं करके। वैसे ही एक बार और ध्यान आया मेरे को, एक बार क्लास 4 में ही क्वेश्चन आया था पर्यावरण में कि आप 5 खट्टे फलों के नाम लिखो, ये लिखो, पेड़ों के नाम लिखो, तो उन लोगों ने इंग्लिश में नाम लिखे थे। तो मेरे को गुड फीलिंग ये हुआ कि चलो बच्चे बोला गया तो इसको इन लोग इंग्लिश में लिखे हैं, तो मैंने तो पूरा नंबर दिया उनको। और उनको फिर समझाया कि जब हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में लिखना है। और मैथ्स के लिए जैसे इकाइयां होती है कि 1 किलोग्राम में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलो में इतने किलोग्राम होते हैं, और मीटर सेंटीमीटर कितने कैसे बनते हैं, तो ये सब मैंने इकाइयां भी उनके लिए बनवाई। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस प्रकार से उनको बताती थी। तो फिर वो लोग बोलते थे, और उसको खालिस्तान के रूप में पूछा जाता था, तो बच्चे लोग उसका खालिस्तान को फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करके बोलते थे। तो इससे उनको ये सुधार आया, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। तो ये भी एक मॉर्निंग असेंबली में ही हम ये चीज़ को कराना चाहते हैं, ताकि बेसिक चीज़ है जो वो बच्चा सीख सके। तो पहले तो मैंने ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ बड़े सर थे, अब उनके ज़माने से एक प्रेयर चल रहा था, तो वैसे ही प्रेयर चलता था, और फिर बच्चे क्लास में जाते थे, टीचर भी चल देते थे। तो उस समय मैं अपनी क्लास में करवाती थी ये सब। लास्ट पीरियड में हमारा होता था एक लास्ट पीरियड 20 मिनट का, तो उसमें कुछ भी क्राफ्ट है या कुछ भी बच्चों को पढ़ने से संबंधित है, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो उस समय में मैं बच्चों को कभी इंग्लिश का, कभी हिंदी का, कभी आसपास की घटनाओं से संबंधित ये सब चीज़ करवाती थी। फिर आज की डेट में हमारे स्कूल के बच्चे पहले तो बुलाने पर नहीं आते थे, लेकिन अब बोलते हैं कौन बोलेगा, तो अब तो हाथ उठा उठा के बोलते हैं कि हाँ हम आएंगे, हम आएंगे। तो हमारे स्कूल रोल मॉडल स्कूल के रूप में होना चाहिए, हमारे स्कूल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सभी सब चीज़ अवेलेबल है, खेलने से लेके बैठने की व्यवस्था, वैसे हर चीज़ अवेलेबल कराने का प्रयास किया जाता है।
मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की सारी टीम को और जेडआईआई की टीम को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी कि हमारे स्कूल को रोल मॉडल स्कूल के रूप में चुना गया। धन्यवाद।